हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो टॉप 7 नेक बैंड जो कि आपको 2000 रुपये से लगा के 5000 रुपये की प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं 3 वीडियो इस सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी बना चुका हूं, जहां पर एक वीडियो में हमने 1000 रुपये से नीचे वाले नेकबैंड की बात की, दूसरे वीडियो में 1000 से 1500 रुपये तक और तीसरे वीडियो में 1500 से 2000 रुपये तक के नेकबैंड की हमने बात की है। और यहां पर अब मैं 2000 से 5000 के बीच में नेकबैंड बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों इस प्राइस रेंज में आपको ज्यादा नेकबैंड देखने को नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर TWS की कैटेगरी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आप इस कैटेगरी में नेकबैंड परचेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सोनी और JBL जैसे ब्रांड के नेकबैंड को भी शामिल किया है, क्योंकि इस प्राइस में आपको इन ब्रांड के साथ में अच्छे अच्छे नेकबैंड देखने को मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको प्रीमियम क्वालिटी के नेकबैंड्स देखने को मिल जाते हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही बजट कैटेगरी के गैजेट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। अब यहाँ पर मैंने दोस्तों किसी भी नेकबैंड को रैंकिंग नहीं दी है कि जो मैंने पहले बताया वो अच्छा है, बाद में बताया वो खराब है। यहाँ पर सभी की अपनी अपनी खासियतें हैं, सभी में अपने अपने अलग अलग फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग में जो नेकबैंड बताऊंगा वो लो प्राइस के होंगे और धीरे धीरे बढ़ते हुए हम 5000 तक जाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले नेकबैंड के बारे में। ये आता है सोनी की तरफ से, सोनी WIC 300। सबसे पहले बात करें यहाँ पर इसके डिजाइन के बारे में, तो कुछ ऐसा यहाँ पर आपको डिजाइन देखने को मिलता है, काफी लाइट वेट आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर फ्लैट केबल के साथ में आता है। और यहाँ पर ईयरफोन चैम्बर की हम बात करें तो आपको प्लास्टिक के ईयरफोन चैम्बर्स देखने को मिलते हैं, और डिजाइन आपको यहां पर इनका काफी प्रीमियम देखने को मिलता है। और दोस्तों यहां पर अगर आपने सोनी के प्रोडक्ट अगर यूज किए हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सोनी के प्रोडक्ट कितने क्वालिटी वाले होते हैं, आपको एक बार खरीदने के बाद में बिल्कुल पछतावा नहीं होता। भले ही दोस्तों ये प्रोडक्ट थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन वैल्यू फॉर मनी होते हैं, आपको अपने एक एक पैसे का रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो आपको 9mm के डायनेमिक ड्राइवर्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर ये क्रिस्टल क्लियर साउंड आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इस वाले मॉडल के अंदर आपको बेस ज्यादा देखने को नहीं मिलता, एक्स्ट्रा बेस के लिए मैंने आगे मॉडल बताए हैं उनके अंदर आपको एक्स्ट्रा बेस देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा बेस देखने को नहीं मिलता, यहां पर आपको बिल्कुल बैलेंस्ड साउंड देखने को मिलता है। और दोस्तों सोनी के ईयरफोन की यह खासियत होती है कि आप 100% वॉल्यूम तक भी म्यूजिक सुनते हैं तो बिल्कुल भी आपको डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलता, 100% वॉल्यूम तक वोकल्स बिल्कुल क्लियर रहते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं इसके प्लेबैक टाइम की बात करूँ तो 15 घंटे का आपको यहाँ पर प्ले टाइम देखने को मिलता है, और क्विक चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के साथ में आते हैं, और 3 कलर में आपको ये नेकबैंड्स देखने को मिलते हैं। और प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो 2290 रुपये में आप अभी इन्हें अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरे नेकबैंड की बात करें तो ये आता है सनहाइजर की तरफ से, सनहाइजर CX120BT। डिजाइन की बात करें तो डिजाइन यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपार्टमेंट देखने को मिलता है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, यानी कि जब आप ईयरफोन को कानों में लगाएंगे तो ये ईयरफोन के वेट पर ही लटकेंगे, नीचे तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको ईयरफोन बार बार कान से बाहर निकलने की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर फिटिंग इसकी अच्छी रही तो ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर बैलेंस्ड साउंड आपको प्रोड्यूस करके देते हैं, आपको एक्स्ट्रा बेस यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलता। बैटरी बैकअप की मैं बात करूं तो 6 घंटे का बैटरी बैकअप आपको यहां पर देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 4.1 का सपोर्ट यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये 2 ईयर की ब्रांड वारंटी के साथ में आते हैं, और प्राइसिंग की मैं बात करूं तो 2490 रुपये में आप इन्हें अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर अगर मैं अपना ओपिनियन आपको दूं तो ये नेकबैंड मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन क्योंकि दोस्तों एक रिपोर्टेड ब्रांड का है तो मैंने इसलिए इसको इस लिस्ट में शामिल किया। अब यहां पर हम अगले नेकबैंड की बात करें तो ये निकल करके आता है वापिस से सोनी की तरफ से, सोनी WIXB400 वायरलेस एक्स्ट्रा बेस इन ईयर ब्लूटूथ हेडफोन्स। डिजाइन की मैं यहां पर बात करूं तो नेकबैंड का डिजाइन आपको वैसा ही देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर मैं अगर ईयर टिप्स की बात करूं जो कि आपके कान के पास में ईयरफोन होता है तो उसका डिजाइन आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि ये प्लास्टिक बॉडी पर बने हुए हैं लेकिन यहां पर बहुत ही प्रीमियम डिजाइन आपको देखने को मिलता है। साउंड क्वालिटी की मैं बात करूं तो यहां पर आपको 12mm के नियो डायनेमियम ड्राइवर देखने को मिलते हैं, जो कि सोनी की तरफ से डेडिकेटेड है, और यहां पर आपको सोनी के एक्स्ट्रा बेस का सपोर्ट देखने को मिलता है, और ड्राइवर साइज यहां पर काफी बड़ा रखा गया है, तो इसकी वजह से आपको यहां पर
बेस बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। तो आपको अगर एक्स्ट्रा बेस वाले ईयरफोन पसंद है, म्यूजिक में आप एक्स्ट्रा बेस सुनना पसंद करते हैं, तो फिर ये ईयरफोन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। बैटरी बैकअप की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 15 घंटे का प्ले टाइम देखने को मिलता है सिंगल चार्ज में, और यहाँ पर आपको क्विक चार्ज का सपोर्ट भी मिल जाता है, यानी कि आप इनको 10 मिनट चार्ज करके एक घंटे तक यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.0 ब्लूटूथ वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। दो कलर में ये आपको देखने को मिलते हैं, 1 ईयर की मैन्युफैक्चरिंग गारंटी के साथ में आते हैं। और प्राइसिंग की हम बात करें तो 3299 रुपए में आप अभी इन्हें अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले और चौथे नेकबैंड की बात करें तो ये आता है JBL की तरफ से, JBL Live 220 BT by Harman। डिजाइन की सबसे पहले यहां पर बात करें तो डिजाइन आपको यहां पर भी सिंपल ही देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर आपको सोनी वाले से थोड़ा सा अलग डिजाइन देखने को मिलता है। और यहां पर मैं ईयरफोन चैम्बर की बात करूं तो ईयरफोन चैम्बर आपको प्लास्टिक के ही देखने को मिलते हैं, लेकिन काफी प्रीमियम क्वालिटी के साथ में आते हैं। ईयरफोन के चैम्बर पर ही आपको JBL की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि देखने में काफी अच्छी लगती है। इसके अलावा मैं साउंड की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर आपको JBL के सिग्नेचर साउंड का सपोर्ट मिलता है, और JBL के सिग्नेचर साउंड क्वालिटी वन ऑफ दी बेस्ट होती है। यहां पर आपको बिल्कुल बैलेंस्ड बेस और ट्रबल देखने को मिलता है, और ओवरऑल साउंड क्वालिटी की क्लियरिटी की हम बात करें तो आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड यहां पर देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों यहां पर आपको बेस काफी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन एक्स्ट्रा बेस का सपोर्ट यहां पर नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हम JBL के बेस की बात करें तो बेस आपको यहां पर काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपने JBL के ईयरफोन यहाँ पर यूज किए हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि JBL के ईयरफोन में बेस कैसा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.0 ब्लूटूथ वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पर मल्टी डिवाइस कनेक्शन का आपको सपोर्ट मिल जाता है। आप एट ए टाइम इसको दो डिवाइस से कनेक्ट करके रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर 1 ईयर की ब्रांड वारंटी देखने को मिलती है, और प्राइसिंग की मैं बात करूं तो आप यहाँ पर इसको 3,949 रुपए में परचेस कर सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले और चौथे नेकबैंड की मैं बात करूं तो यह आता है Realme की तरफ से, Realme Buds Wireless Pro। और डिजाइन की हम बात करें दोस्तों तो डिजाइन आपको कुछ ऐसा यहां पर देखने को मिलता है, मेरे हिसाब से यहां पर काफी अच्छा डिजाइन आपको देखने को मिलता है। और वायर क्वालिटी की हम बात करें तो वायर क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिलती है, वायर के ऊपर आपको पतली पतली सी लाइन देखने को मिलती है। इसके अलावा हम ईयरफोन चैम्बर की बात करें तो प्लास्टिक के ईयरफोन चैम्बर आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, जो कि मैग्नेटिक चैम्बर है। यानी कि ओवरऑल हम डिजाइन की बात करें तो डिजाइन आपको यहां पर काफी अच्छा सा देखने को मिल जाता है। साउंड क्वालिटी की मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको 13.6 mm के डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आपको सोनी के LDAC हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर इसकी जो ट्यूनिंग है वो सोनी के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी मिलने वाली है, साउंड क्वालिटी के बारे में यहाँ पर कोई भी कंप्रोमाइज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेस की मैं यहाँ पर बात करूं तो बेस भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सोनी की LDAC टेक्नोलॉजी की वजह से आपको यहाँ पर बेस बूस्टर देखने को मिलते हैं, तो बेस आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत ही प्रीमियम साउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा रियलमी के इस नेकबैंड में आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। बैटरी बैकअप की मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको लगभग 22 घंटे का प्ले टाइम यहाँ पर देखने को मिलता है, और चार्जिंग टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर क्विक चार्ज का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आप इस नेकबैंड को 5 मिनट चार्ज करके 2 घंटे तक यूज कर सकते हैं। और ब्रांड वारंटी की हम बात करें तो 6 मंथ की ब्रांड वारंटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और प्राइसिंग की मैं बात करूं तो 3,999 रुपए में आप अभी इन्हें अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगले और छठे नेकबैंड की बात करूं तो ये आता है वापस से सोनी की तरफ से। यहां पर इस लिस्ट में टोटल मैंने 3 सोनी के नेकबैंड को इंक्लूड किया है, और ये तीसरा नेकबैंड है, और ये काफी प्रीमियम क्वालिटी के साथ में आता है। इसके मॉडल नंबर की हम बात करें तो इसका मॉडल नंबर है सोनी WISP510 वायरलेस स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा बेस ईयरफोन, यानी कि ये एक स्पोर्ट्स कैटेगरी का नेकबैंड है, और साथ में आपको एक्स्ट्रा बेस भी देखने को मिलता है। अब यहां पर दोस्तों इसके डिजाइन की बात करें तो यहां पर डिजाइन आपको थोड़ा सा यूनिक देखने को मिलता है, थोड़ा सा अलग टाइप का डिजाइन आपको यहां पर देखने को मिलता है। एक तरफ आपको सोनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, दूसरी साइड आपको मल्टीफंक्शन बटन देखने को मिल जाते हैं। साउंड क्वालिटी की मैं बात करूं तो 12 mm के नियो डायनेमियम ड्राइवर यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छा खासा बेस प्रोड्यूस करते हैं। बेस के मामले में आपको यहां पर कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, म्यूजिक के अंदर आपको तगड़ा बेस देखने को मिलने वाला है। साथ ही हम ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात करें तो बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी की साउंड क्वालिटी आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है, तो साउंड के मामले में आपको यहां पर कोई भी कंप्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर IPX5 की स्प्लैश प्रूफ रेटिंग देखने को मिल जाती है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, और प्ले टाइम की मैं यहाँ पर बात करूं तो 15 घंटे का प्ले टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। दो कलर में आपको ये नेकबैंड देखने को मिलते हैं, और प्राइसिंग की हम बात करें तो 4,175 रुपए में आप अभी इन्हें अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब अगले और आखिरी नेकबैंड के बारे में बात करते हैं तो ये आता है वापिस से JBL की तरफ से,
JBL Endurance Dive by Harman। अब दोस्तों इस नेकबैंड के हम डिजाइन की बात करें तो इसका डिजाइन आपको इन सभी में सबसे यूनिक देखने को मिलता है। पूरा का पूरा कंपार्टमेंट आपको ईयरफोन के पास ही देखने को मिल जाता है और इस वजह से इसका डिजाइन थोड़ा सा यूनिक बन जाता है और आप इसे फोल्ड करके भी जेब में रख सकते हैं। और दोस्तों फोल्डेड कंडीशन में ये काफी छोटा हो जाता है तो आप इसे आसानी से जेब वगैरह में भी रख सकते हैं। साउंड क्वालिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं जो कि JBL के सिग्नेचर साउंड के साथ में आते हैं, तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी आपको काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। ब्लूटूथ वर्जन की बात करूं तो ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पर थोड़ा सा पुराना है लेकिन कनेक्टिविटी के अंदर आपको कोई इशू नहीं रहने वाला है। 10 मीटर की रेंज तक आपको काफी अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक फीचर और ये देखने को मिलता है कि इसके अंदर आपको 1GB की स्टोरेज देखने को मिलती है नेकबैंड के अंदर, यानी कि आप नेकबैंड के अंदर 1GB का म्यूजिक स्टोर कर सकते हैं और डायरेक्टली आपके नेकबैंड से ही प्ले हो जाएगा, तो यहाँ पर ये मुझे काफी अच्छी चीज लगी। इसके अलावा अगर हम मल्टी फंक्शन बटन की बात करें तो आपको एक ही बटन देखने को मिलता है जिससे सारी चीजें ऑपरेट होगी। साथ ही यहाँ पर आपको IPX7 की वाटरप्रूफ रेटिंग देखने को मिल जाती है, तो थोड़ा बहुत पानी वगैरह लगता है तो उससे इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 1 ईयर की ब्रांड वारंटी के साथ में आते हैं। 5 अलग अलग कलर में आपको देखने को मिल जाते हैं और प्राइसिंग की मैं बात करूं तो 4599 यानी कि 4600 रुपए में आप अभी इन्हें अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। इस लिस्ट में बताए गए सभी के सभी 7 नेकबैंड के लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहाँ ऊपर इसी वीडियो के YouTube का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां पर क्लिक करके आप YouTube पर जाकर के और उस वीडियो को देख सकते हैं और यहां पर उसके नीचे आपको सभी के लिंक भी मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब जो मैंने प्राइस बताई है ये सभी के सभी नेकबैंड उसी प्राइस रेंज पर हैं, लेकिन हो सकता है कि दोस्तों टाइम के साथ में कंपनियां प्राइस को कम या ज्यादा करती रहती है तो आपको 100-200 रुपए का वेरिएशन देखने को मिले, तो उस समय आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि इस प्राइस से आपको ज्यादा में मिल रहा है तो आप थोड़ा टाइम रुक के इन्हें परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप किसी और गैजेट्स के टॉप 5 या टॉप 10 गैजेट्स वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे बताइए कि आपको किस तरह के गैजेट्स पर वीडियो चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।